ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 2 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम के लिए मांगेंगे समर्थन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार, कांकेर में सुबह 10:30 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, दूसरे चरण में यहां पर होना है मतदान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 चुनावी जनसभाएं, सुबह 11:45 पर बिलासपुर में रैली, दोपहर 1:30 बजे भिलाई और 3 बजे रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में 2 सभाओं को करेंगे संबोधित, सुबह 11 बजे बेंगलुरु ग्रामीण, शाम को 4 बजे चिक्काबल्लापुर में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के सत्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर प्रहार, बोले अगर मोदी और शाह सत्ता में वापस आ गए तो लोकतंत्र हो जाएगा खत्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन का करेंगे दौरा, क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री। सियाचिन दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा था और रहेगा, पीओके के लोग खुद मांग करेंगे कि हमें भारत के साथ रहना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने झोंकी ताकत, आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में बीएसपी प्रमुख मायावती करेंगी प्रचार, 2019 में जीती हुई सीटों को बचाने के लिए होगी जनसभाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी हलचल तेज, आज बांका, कटिहार, पूर्णिया में आरजेडी के चुनावी रैलियां, वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ सभाएं करेंगे तेजस्वी यादव। राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, आज रात कोटा में ही रहेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। मेरठ में राम के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होंगे सीता और लक्ष्मण, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए रामायण की सीता दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए सुनील लहरी करेंगे प्रचार। मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा से होगी वोटिंग, 19 अप्रैल को चुनाव के दौरान हिंसा और ईवीएम में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा से मतदान कराने का फैसला लिया। झारखंड के रांची से बीजेपी के प्रत्याशी गीता कोड़ा आज पर्चा भरेंगी, सिंहभूम संसदीय सीट से नामांकन होगा, नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, बीजेपी समर्थकों की भीड़ उमड़ेगी। यूपी के आगरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी की सभा में शामिल होंगे, सुबह 11:40 पर आगरा और दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में जनसभा होगी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पीएम मोदी को चुनौती, कहा हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी अगर हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें, हमारे मैनिफेस्टो में सभी वर्गों के न्याय की बात है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार, ट्वीट करके लिखा कांग्रेस को सिर्फ देश के मुसलमानों की चिंता, लेकिन मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध। इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा, बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ का नारा दिया। इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा, कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जानकारी के मुताबिक रैली में पहुंचे कुछ लोगों ने बीजेपी के समर्थन में लगाए थे नारे। इंडिया गठबंधन की रांची रैली में गर्जे अखिलेश यादव, बोले कि बीजेपी उसी दिन हार चुकी थी जिस दिन सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची की रैली के दौरान जेल से भेजी गई हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी, हेमंत ने लिखा केंद्र में अब नहीं चलेगी ठगों की सरकार, देश को टूटने से बचाने का किया आह्वान। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी रैली में पहुंची, कहा इंसुलिन नहीं देकर अरविंद को जेल में मारने की कोशिश हो रही है, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल और हेमंत छूटेंगे का दिया नारा। रांची के मन से सांसद संजय सिंह भी बरसे बीजेपी पर, बोले कि पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर के संविधान को मानता है लेकिन बीजेपी नागपुर के संविधान को मानती है। उधमपुर से प्रियंका चतुर्वेदी ने रैली को संबोधित किया, बोली कि विपक्ष को परेशान करने के लिए जो लोग कर रहे हैं ईडी का इस्तेमाल, उन्हें सिखाएंगे सबक। इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी का पलटवार, निशिकांत दुबे बोले रैली में भ्रष्टाचारी जो जेल में हैं या बेल पर हैं वो किसी परिवार के सदस्य हैं, वही लोग यहां पर आए। इंडिया गठबंधन की न्याय उल गुलान रैली पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने निशाना साधा, कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और नाकामियों को छिपाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली में इंसुलिन पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर हाथों में इंसुलिन लेकर प्रदर्शन किया, कहा कि केजरीवाल को स्लो पॉइजन देने का काम हो रहा है। जेल में बंद सीएम केजरीवाल के इंसुलिन मामले पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली एम्स की टीम ने इंसुलिन देने के लिए सलाह नहीं दी। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज, बोले बिहार में गर्मी है, अमित शाह आए तो सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा रहता और बिहार के बारे में जानकारी भी बढ़ती। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली बम फोड़ने की जो बातें हो रही हैं, मैं और अभिषेक टारगेट पर हैं, अभिषेक और मेरी हो सकती है हत्या।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप लोग देखिएगा इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली से अयोध्या और फिर गोंडा होंगे रवाना, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जारी कर सकते हैं बयान। और आइए चुनावी हलचल के बाद अब राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं केवल 9 सेकेंड न्यूज। झारखंड की गोडा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को टिकट दिया। रांची से सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट मिला। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार, कहा 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पीएम मोदी के हमले का राहुल गांधी ने जवाब दिया, ट्वीट कर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम के झूठ का स्तर गिर गया, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं मोदी। मुख्यमंत्री योगी के स्वागत में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली निकाली गई, अनोखी रैली को देखने के लिए सड़कों पर जुटे कई। मथुरा से बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी का दावा, बोली कि इस बार 5 से 7 लाख वोटों के मार्जिन से बड़ी जीत होगी, देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके ये बात कही, कहा कि रेलवे को बर्बाद करने में जुटी है मोदी सरकार, उसे हटाना होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, अमित शाह पर जासूसी करने का आरोप लगाया, चुनावी चंदे पर मोदी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की सभा से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली कि लोगों को 5 किलो राशन पकड़ाने से भारत विकसित नहीं होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोले बीजेपी संविधान पर नहीं बल्कि मनुस्मृति पर करती है भरोसा, इस बार देश में कोई मोदी लहर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा राज्य में हर जगह पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, इस बार हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। बिहार की सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर हमला, बोली कि विकास के बारे में बोलने के लिए नीतीश के पास कुछ भी नहीं। राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का दावा, टोंक में बोले 10 से 15 दिन में राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ होंगे। केरल में सीपीएम नेता एएम आरिफ का राहुल गांधी पर प्रहार, बोले कि राहुल कोई प्रमुख नेता नहीं है, उन्होंने पिछले दिनों कई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करने गुना के शिवपुरी पहुंचे पुत्र, महाआर्यमान आदिवासियों के साथ बैठकर घी लगी रोटी और धनिया मिर्च की चटनी खाई। पंजाब के बरनाला में बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों के काफिले को रोका, अरविंद खन्ना बोले विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया, लिखा मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से साफ है कि पहले चरण के नतीजों में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कहा कि पीएम का भाषण हेट स्पीच है। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा असम में बीजेपी के 12 सीटें पक्की, पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतेंगे, कहा आपकी बार 405, चुनाव के बाद देखिएगा इंडिया गठबंधन का हाल। बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा देश में परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण को मोदी जी ने खत्म किया, पीएम मोदी गरीबों के जीवन में लेकर आए बड़ा बदलाव। कटिहार रैली में सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना, बोले कि बिहार में अब नहीं है जंगल राज, अब तेज गति से हो रहा है विकास, बिहार में 40 और देश में 400 प्लस सीटें जीतने का दावा। कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या को लेकर सियासत गरमाई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहा के परिजनों से मुलाकात की, कहा कि परिवार चाहता है सीबीआई करे हत्या की जांच। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पहला चरण बीजेपी के पक्ष में गया, आज कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई कर रही है और बीजेपी 400 का इतिहास रचने जा रही है। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया, व्यापारियों को संबोधित किया, कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़, कहा पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, संदेश खाली की घटना से मानवता हुई शर्मसार, कहा कि ईडी और सीबीआई पर गुंडे करते हैं हमले। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने चुनाव आयोग पर तंज कसा, लिखा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। और आइए कोर्ट के फैसले से जुड़ी उन खबरों का रुख करते हैं जिस पर पूरे देश की नजर। जेल में केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर आज आ सकता है फैसला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला।
केजरीवाल के लिए साधारण अंतरिम जमानत की मांग, आज पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई लंबित रहने तक केजरीवाल को हाउस अरेस्ट के तहत जेल से उनके सरकारी आवास में ट्रांसफर करने की अपील। के कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, अभी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता, दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष की तरफ से पेश की जाएंगी दलील। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत पर सुनवाई, यूपी सरकार और शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का पक्ष रखा जाएगा। राखी सावंत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, राखी पर अपने एक्स हस्बैंड की निजी वीडियो लीक करने का आरोप है, गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंची राखी सावंत। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स को फिल्म में न रखना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है, यशराज फिल्म्स ने 2021 में आए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को चुनौती। यूपी के कौशाम्बी में 4 युवक गिरफ्तार, पुलिस और आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की, गिरोह के बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है एसटीएफ। कौशाम्बी में पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कैश मिला, मौके से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के कटनी में पकड़े गए 5 लुटेरे, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक घर में लूटपाट की थी, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसओजी और सेना की कार्रवाई, पाकिस्तान में बने पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार, पेशे से सरकारी टीचर है आरोपी कामुद्दीन। कानपुर में दुकान मालिक के डांटने पर वारदात, दुकान पर काम करने वाले लड़के ने दुकान मालिक पर हमला किया, मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ 11 बार वार किया। और अब आ रही है 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सुलग रहे कूड़े के पहाड़, कई घंटों से लगी कूड़े के ढेर में आग, आसमान में उठ रहे जहरीले धुएं से सांस लेने में दिक्कत। कूड़े के ढेर में लगी आग को बुझाने का काम जारी, मौके पर मौजूद है फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, हवा के चलते तेजी से फैल रही आग, लैंडफिल साइट के पास अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद के लोनी में फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। गुरुग्राम में लकड़ी गोदाम में भीषण आग लगी, गोदाम से सटी एक दर्जन से ज्यादा झुग्गियां भी जलकर खाक हुई, आग की वजह से गोदाम में रखी लाखों की लकड़ियां जलकर। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों में हड़कंप, करीब 70 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के शास्त्री भवन इलाके में सेंट्रल सेक्रेटरिएट की कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में आग लगी, मौके पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाया। दिल्ली में बीजेपी ने हिंदू नववर्ष समारोह का भव्य आयोजन किया, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जैसे केंद्र में राम भक्त का शासन है वैसे दिल्ली में भी राम भक्त का शासन होना चाहिए। गर्मी बढ़ते ही दार्जिलिंग के पर्यटक स्थलों पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं सैलानी, पिकनिक स्पॉट में उमड़ रहे हैं सैलानी। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु, 28 देशों के 400 लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। मुरादाबाद से पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का अंतिम संस्कार, एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए, सर्वेश सिंह को याद कर भावुक हुए एसटी हसन।